हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय निशा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे स्कैलियोडॉन से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फॉसिल्स रिकॉर्ड्स ऑफ स्कैलियोडॉन अपीयर इन। स्कैलियोडॉन के फॉसिल्स रिकॉर्ड प्रदर्शित हुए। ऑप्शन ए है मिडिल यूसीन, ऑप्शन बी है लोअर यूसीन, ऑप्शन सी है अपर यूसीन, ऑप्शन डी है लोअर प्लियोसीन। तो स्कैलियोडॉन के फॉसिल्स रिकॉर्ड अपीयर हुए लोअर यूसीन में, लोअर यूसीन पीरियड में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी लोअर यूसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैलियोडॉन है ऑप्शन ए है मैराइन हार्बियोरस, ऑप्शन बी है फ्रेश वाटर कार्निवोरस, ऑप्शन सी है मैराइन कार्निवोरस एंड प्रेडेटर, और ऑप्शन डी है फ्रेश वाटर एंड ओमनिवोरस। तो स्कैलियोडॉन को डॉग फिश के नाम से जाना जाता है और ये मोस्टली मैराइन होती है, कार्निवोरस होती है और प्रेडेटर होती है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी मैराइन कार्निवोरस एंड प्रेडेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इन स्कैलियोडॉन इज कवर्ड बाय। स्कैलियोडॉन की बॉडी किसके द्वारा ढकी हुई होती है। ऑप्शन ए है डर्मल प्लेट, ऑप्शन बी साइक्लॉइड स्केल, ऑप्शन सी है टीनोइड स्केल और ऑप्शन डी है प्लेकोइड स्केल। तो स्कैलियोडॉन की बॉडी ए ढकी हुई होती है प्लेकोइड स्केल के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी प्लेकोइड स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन फिन इन स्कैलियोडॉन कंप्राइज। स्कैलियोडॉन में मीडियन फिन होती है। ऑप्शन ए है टू डार्सल वन कैडल एंड वन वेंट्रल फिन, ऑप्शन बी वन डार्सल वन कैडल एंड वन वेंट्रल फिन, ऑप्शन सी है वन डार्सल टू कैडल एंड वन वेंट्रल फिन, ऑप्शन डी है वन डार्सल वन कैडल एंड टू वेंट्रल फिन। तो स्कैलियोडॉन की जो मीडियन फिन्स होती हैं उनमें इंक्लूड होती है टू डार्सल वन कैडल और वन वेंट्रल फिन। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए टू डार्सल वन कैडल एंड वन वेंट्रल फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल इन स्कैलियोडॉन इज। स्कैलियोडॉन में पूछ होती है। ऑप्शन ए है होमोसेरेकल, ऑप्शन बी है हेट्रोसेरेकल, ऑप्शन सी है हाइपोसेरेकल, ऑप्शन डी है हाइपरसेरेकल। तो स्कैलियोडॉन में टेल जो होती है वो होती है हेट्रोसेरेकल। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी हेट्रोसेरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोमिटेंट ऑर्गन इन स्कैलियोडॉन इज। स्कैलियोडॉन में इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होती हैं। इंट्रोमिटेंट ऑर्गन ऐसा ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करता है, मीन्स कॉपुलेशन में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है ए पार्ट ऑफ पेक्टोरल फिन, ऑप्शन बी ए पार्ट ऑफ फर्स्ट डार्सल फिन, ऑप्शन सी मीडियन पार्ट ऑफ पेल्विक फिन, ऑप्शन डी है मीडियल पार्ट ऑफ वेंट्रल फिन। तो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन स्कैलियोडॉन में होता है मीडियन पार्ट ऑफ पेल्विक फिन का मीडियन पार्ट। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी मीडियन पार्ट ऑफ पेल्विक फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आई इन स्कैलियोडॉन आर प्रोटेक्टेड बाय। स्कैलियोडॉन में आँख सुरक्षित होती हैं किसके द्वारा। ऑप्शन ए आईलिड, ऑप्शन बी है इमूवेबल निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है क्यूटिकल, ऑप्शन डी है मूवेबल निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। तो स्कैलियोडॉन में जो आँख होती है वो प्रोटेक्टेड होती है, मीन्स सुरक्षित होती है मूवेबल निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी मूवेबल निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। क्वेश्चन है, द टीथ इन स्कैलियोडॉन आर मेंट फॉर। स्कैलियोडॉन में दांत किसके लिए होती हैं। ऑप्शन ए है बाइटिंग एंड टीयरिंग, ऑप्शन बी है ओनली बाइटिंग, ऑप्शन सी है ओनली चीविंग,
ऑप्शन डी बाइटिंग टीयरिंग एंड चिविंग। तो स्केलेडन में जो दांत होते हैं वे बाइट करने के लिए होते हैं और टीयर करने के लिए होते हैं। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए बाइटिंग एंड टीयरिंग, मीन्स भोजन को काटने के लिए और फाड़ने के लिए इनके दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नास्ट्रल्स इन स्केलेडन और स्केलेडन में नास्ट्रल्स होती हैं। ऑप्शन ए डार्सल ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन बी है वेंट्रल ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन सी है डार्सल रेस्पिरेटरी और ऑप्शन डी वेंट्रल एंड रेस्पिरेटरी। तो स्केलेडन में जो नॉस्ट्रल होती हैं वो होती है वेंट्रल और ऑल्फैक्टरी, मीन्स रेस्पिरेटरी ये नहीं होती हैं। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी वेंट्रल एंड ऑल्फैक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्केलेडन म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय, स्केलेडन में म्यूकस स्रावित होता है। ऑप्शन ए सेल्स इन स्ट्रैटम लग्जम, ऑप्शन बी सेल्स इन स्ट्रैटम जर्मिनेटियम, ऑप्शन सी है सेल्स इन स्ट्रैटम कंपैक्टम और ऑप्शन डी है मिलेनोफोर्स। तो स्केलेडन में जो म्यूकस होती हैं ये स्रावित होती हैं जर्मिनेटियम सेल्स के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी सेल्स इन स्ट्रैटम जर्मिनेटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेकोइड स्केल कंसिस्ट ऑफ, ए प्लेकोइड स्केल में पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए वाइड ट्रायंगुलर बेसल पार्ट एंड ए फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन, ऑप्शन सी बी है ए वाइड रम्बोइड बेसल पार्ट एंड ए फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन, ऑप्शन सी ए वाइड रेक्टेंगुलर बेसल पार्ट एंड ए फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन, ऑप्शन डी ए वाइड सर्कुलर बेसल पार्ट एंड ए फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन। तो जो प्लेकोइड स्केल्स होती हैं स्केलेडन में उनमें जो ये इनमें ए रोम्बोइड बेसल पार्ट होता है और फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन पाई जाती है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी ए वाइड रोम्बोइड बेसल पार्ट एंड ए फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन। क्वेश्चन है स्पाइंस ऑफ प्लेकोइड स्केल इज मेड अप ऑफ, प्लेकोइड स्केल्स की स्पाइंस बनी हुई होती हैं। ऑप्शन है कैल्साइट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है डेंटाइन और ऑप्शन डी है ट्यूनिसिन। तो प्लेकोइड स्केल्स की जो स्पाइंस होती हैं ये बनी हुई होती हैं डेंटाइन के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी डेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पल्प इन प्लेकोइड स्केल्स इज फॉर्म्ड बाय, प्लेकोइड स्केल्स में पल्प बनी हुई होती हैं। ऑप्शन ए है ओडोंटोब्लास्ट, ऑप्शन बी अमीलोब्लास्ट, ऑप्शन सी स्क्लेरोब्लास्ट, ऑप्शन डी है डर्मल पैपिला। तो प्लेकोइड स्केल्स में जो पल्प होती हैं ये बनी हुई होती हैं डर्मल पैपिला के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी डर्मल पैपिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोटोम्स इन डॉग फिश आर सेपरेटेड बाय, डॉग फिश में मायोटोम्स ये अलग होते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन ए है एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन बी ओडोंटोब्लास्ट, ऑप्शन सी माल्पिगियन लेयर, ऑप्शन डी मायोकोटामा। तो डॉग फिश में जो मायोटोम्स होते हैं ये अलग होते हैं सेपरेट होते हैं मायोकोमाटा के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी मायोकोमाटा, मायोकोमाटा जो होती हैं मायोटोम्स को डॉग फिश में सेपरेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिदिम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमियर्स इज गवर्न बाय, मायोमियर्स की कॉन्ट्रैक्शंस की रिदिम किसके द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए है मायोकोमाटा, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो जो मायोमियर्स के
कॉन्ट्रैक्शंस की जो रिदीम होती है ये गवर्न होती है स्पाइनल कार्ड के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी स्पाइनल कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरिकार्डियल एंड एब्डोमिनल कैविटी इन डॉग फिश इज सेपरेटेड बाय। डॉग फिश में पेरिकार्डियल और एब्डोमिनल कैविटी एक किसके द्वारा अलग होती हैं? ऑप्शन ए है सेप्टम लॉन्गिट्यूडनम, ऑप्शन बी है डायगोनल सेप्टम, ऑप्शन सी है मसल सीथ, ऑप्शन डी है सेप्टम ट्रांसवर्सम। तो इसका डॉग फिश या स्केलेडन में जो पेरिकार्डियल और एब्डोमिनल जो कैविटी होती है ये सेपरेट होती है सेप्टम ट्रांसवर्सम के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सेप्टम ट्रांसवर्सम। जो सेप्टम ट्रांसवर्सम होती है एब्डोमिनल कैविटी और पेरिकार्डियल को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटिशन इन डॉग फिशेज। डॉग फिश में डेंटिशन होता है, ऑप्शन ए है दांत होते हैं, ऑप्शन ए है हेट्रोडोंट पॉलीफायोडोंट एंड लायोडोंट, ऑप्शन बी हेट्रोडोंट डायफायोडोंट एंड लायोडोंट, ऑप्शन सी है होमोडोंट पॉलीफायोडोंट एंड लायोडोंट, ऑप्शन डी है होमरोडोंट डायफायोडोंट एंड लायोडोंट। तो डॉग फिश में जो दांत होते हैं ये होमोडोंट होते हैं, पॉलीफायोडोंट होते हैं और आयोडोंट होते हैं, लायोडोंट होते हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी होमोडोंट पॉलीफायोडोंट एंड लायोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑसोफेगियल ओपनिंग इनटू द कार्डियक स्टमक इज गार्डेड बाय। कार्डियक स्टमक में ऑसोफेगियल की ओपनिंग किसके द्वारा गार्डेड होती है? ऑप्शन ए है ब्लाइंड सैक, ऑप्शन बी स्फिंक्टर वाल्व, ऑप्शन सी स्क्रॉल वाल्व, ऑप्शन डी है ऑसोफेगियल वाल्व। तो कार्डियक स्टमक में जो ऑसोफेगस की ओपनिंग होती है वो गार्डेड होती है ऑसोफेगियल वाल्व के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी ऑसोफेगियल वाल्व। जो ऑसोफेगियल वाल्व होती है वो ऑसोफेगियल ओपनिंग को गार्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फिंक्टर वाल्व इज प्रेजेंट इन स्फिंक्टर वाल्व पाए जाते हैं, ऑप्शन ए है एट द जंक्शन ऑफ फायरिंग्स एंड कार्डियक स्टमक, ऑप्शन बी है एट द जंक्शन ऑफ कार्डियक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक, ऑप्शन सी एट द जंक्शन ऑफ पाइलोरिक स्टमक एंड एसोफेगस, ऑप्शन डी एट द जंक्शन ऑफ एसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। तो स्फिंक्टर जो वाल्व होते हैं स्केलियोडन में या डॉग फिश में ये पाए जाते हैं कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक के जंक्शन पर। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एट द जंक्शन ऑफ कार्डियक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रॉल वाल्व सर्व टू स्क्रॉल वाल्व किसके लिए होते हैं? ऑप्शन ए है स्पीड अप द पैसेज ऑफ फूड, ऑप्शन बी है डिले द पैसेज ऑफ फूड, ऑप्शन सी मिक्स द फूड विथ बाइल जूस, ऑप्शन डी है डाइजेस्ट द फूड क्विकली। तो स्क्रॉल वाल्व जो होते हैं ये मोस्टली जो डॉग फिश होती है उनमें ये फूड के पैसेज को डिले करते हैं। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी डिले द पैसेज ऑफ फूड। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी डिले द पैसेज ऑफ फूड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर ऑफ डॉग फिश इज। डॉग फिश का लीवर होता है किडनी लीवर होता है यकृत होता है, ऑप्शन ए सिंगल लोब्ड, ऑप्शन बी बाइलोब्ड, ऑप्शन सी ट्राइलोब्ड, ऑप्शन डी फोर लोब्ड। तो डॉग फिश का जो लीवर होता है वो होता है बाइलोब्ड, मीन्स दो लोब पाई जाती हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी बाई लोब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट इन स्केलेडन रिसीव्स। स्केलेडन में हृदय ग्रहण करता है, ऑप्शन ए है बोथ बेनस एंड एट्रियल ब्लड, ऑप्शन बी ओनली एट्रियल ब्लड, ऑप्शन सी ओनली बेनस ब्लड, ऑप्शन डी ब्लड ओनली फ्रॉम गिल्स। तो स्केलेडन में जो हृदय होता है ये रिसीव करता है सिर्फ बेनस ब्लड को। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी ओनली बेनस ब्लड
सिर्फ वेनस ब्लड को ये हार्ट जो होता है स्केलेटन का वो रिसीव करता है या ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस शेप्ड हार्ट ऑफ स्केलेटन इज डिफरेंटिएटेड इनटू। स्केलेटन में यस शेप का यस आकार का हृदय ए विभेदित होता है किसमें? ऑप्शन ए वन आर्किल एंड वन वेंट्रिकल, ऑप्शन बी साइनस वेनोसस आर्किल एंड वेंट्रिकल, ऑप्शन सी आर्किल वेंट्रिकल्स एंड कॉनस आर्टियोरेसस, ऑप्शन डी साइनस वेनोसस आर्किल वेंट्रिकल्स कॉनसस आर्टियोसस। तो जो स्केलेटन में यस शेप का हार्ट होता है या हृदय होता है ये विभेदित होता है या बटा हुआ होता है साइनस वेनोसस आर्किल वेंट्रिकल और कॉनस आर्टेरियोसस में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी साइनस वेनोसस आर्किल वेंट्रिकल्स एंड कॉनसस आर्टेरियोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट इन फिशेज, मछलियों में हार्ट होता है हृदय होता है, ऑप्शन ए सिंगल चैम्बर, ऑप्शन बी टू चैम्बर, ऑप्शन सी थ्री चैम्बर, ऑप्शन डी फोर चैम्बर। तो मछली में जो हार्ट होता है वो होता है टू चैम्बर्स में, दो चैम्बर पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी टू चैम्बर्ड। साइनस वेनोसस रिसीव ब्लड फ्रॉम, साइनस वेनोसस ए ब्लड रिसीव करता ग्रहण करता कहाँ से किससे? ऑप्शन ए डक्टस क्यूवेरी एंड हेपेटिक साइनस, ऑप्शन बी वेंट्रल एओर्टा, ऑप्शन सी डक्टस क्यूवेरी, ऑप्शन डी हेपेटिक साइनसस। तो जो साइनस वेनोसस होता है स्केलेटन में वो ब्लड को रिसीव करता है डक्टस क्यूवेरी एंड हेपेटिक साइनस से। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए डक्टस क्यूवेरी एंड हेपेटिक साइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोसाइट्स इन स्केलेटन, स्केलेटन में इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ऑप्शन ए सर्कुलर न्यूक्लिएटेड, ऑप्शन बी सर्कुलर इन्यूक्लिएटेड, ऑप्शन सी ओवल न्यूक्लिएटेड, ऑप्शन डी ओवल इन्यूक्लिएटेड। तो स्केलेटन में जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं वे ओवल होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी ओवल न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ स्केलेटन इज इंक्लोज्ड इन, स्केलेटन का ब्रेन मस्तिष्क इंक्लोज्ड होता है मींस बंद होता है, ऑप्शन ए है क्रैनियम, ऑप्शन बी बोनी स्कल्स, ऑप्शन सी मस्कुलर कवर, ऑप्शन डी है कॉन्ट्रो क्रैनियम। तो स्केलेटन का जो ब्रेन होता है ये बंद होता है या कवर्ड होता है कॉन्ट्रो क्रैनियम के द्वारा या कॉन्ड्रो क्रैनियम में इनका जो स्केलेटन का ब्रेन होता है वो इनक्लोज होता है बंद होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी कॉन्ड्रो क्रैनियम। क्वेश्चन है रेस्टी फॉर्म बॉडी इज प्रेजेंट इन, रेस्टी फॉर्म बॉडी पाई जाती है, ऑप्शन ए सेरिब्रम सेरिबिलम, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोगाटा, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी मिड ब्रेन। तो रेस्टी फॉर्म जो बॉडी होती है ये पाई जाती है मेडुला ऑब्लोगाटा में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लोगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्विमिंग मूवमेंट ऑफ स्केलेटन आर कंट्रोल्ड बाय, स्केलेटन में तैरने की जो गतिविधि होती है ये किसके जरिए नियंत्रित होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हैंड ब्रेन, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्केलेटन में जो तैरने या तैरने की जो गतिविधि होती है ये नियंत्रित होती है हाइंड ब्रेन के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी हाइंड ब्रेन। क्वेश्चन है गैसेरियन गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन, गैसेरियन गैंग्लियन ये पाई जाती हैं, ऑप्शन ए एक्लिमोटर, ऑप्शन बी ट्राइजेमिनल, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन डी ऑप्टिक। तो गैसेरियन जो गैंग्लियन होती हैं ये पाई जाती हैं ट्राइजेमिनल में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी ट्राइजेमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डॉग फिश एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी आर सप्लाइड बाई, डॉग फिश में एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी ये सप्लाइड होती किसके द्वारा या आपूर्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए बैकेलिस, ऑप्शन बी पैलेटिनस, ऑप्शन सी
ऑप्थैल्मिक सुपरफिशियलिस, ऑप्शन डी हायोमैंडिबुलेरिस। तो जो डॉगफिश में एम्पुला फ्लोरेंजनी होती है सप्लाइड होती है ऑप्थैल्मिक सुपरफिशियलिस से, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्थैल्मिक सुपरफिशियलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटोलिथ्स आर फाउंड इन, ओटोलिथ्स पाई जाती हैं, ऑप्शन ए एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन बी बेट्रस ह्यूमर, ऑप्शन सी रिसेसस यूट्रिकुले, ऑप्शन डी एंडोलिम्फ ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो ओटोलिथ्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के एंडोलिम्फ में, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी एंडोलिम्फ ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।